दोस्तों किसी भी फोटोग्राफर के लिए उसका कैमरा बैग बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि उसमें ही वो अपने सारे गियर्स, चाहे कैमरा, लेंसेज, लैपटॉप, एक्सेसरीज हो, उसके साथ लेके चलता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ 6 डिफरेंट कैमरा बैग्स, जो कि हर किसी न किसी फोटोग्राफर के लिए ठीक रहेगा, चाहे वो बिगनर हो या प्रोफेशनल लेवल का फोटोग्राफर। तो आज मैं खड़ा हूँ दोस्तों शुभ्रांशु कैमरा स्टोर में, और जैसे कि आप जानते हैं इन दिनों मैं जयपुर टूर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम अभी मिलेंगे एक बार फिर मुकेश से, और मुकेश से पूछेंगे इन सभी कैमरा बैग्स के मॉडल्स के बारे में, ताकि वो हमें थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज दें और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने घर बैठे ही मिले। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज एक बार फिर मिलते हैं मिस्टर मुकेश से, और मुकेश जी जो है आज हमें बताने वाले हैं इन सारे कैमरा बैग्स के बारे में, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इनसे। तो मुकेश जी आज हम कौन से कैमरा बैग से शुरुआत करेंगे? सर आज हम सबसे पहले बात करेंगे फैंसियर बैग से। तो मुकेश जी सबसे पहले तो मुझे बताइए जो फैंसियर का कैमरा बैग है ये किस तरह के फोटोग्राफर्स के लिए अच्छा रहेगा? सर इसको देखो बेसिक फोटोग्राफर इसमें ले सकता है, नॉर्मली फोटोग्राफर भी इसमें ले सकता है, वेडिंग वगैरह में भी आप ले सकते हो, और वाइल्ड लाइफ में भी कुछ हद तक आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। कुछ छोटे लेंसेज आते हैं 100-400 रख सकते हो आप, 70-200 टाइप रख सकते हो। ओके तो इसको थोड़ा सा खोल के देखें जरा। या बिल्कुल सर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं इधर, ये देखिए ये इस तरह पहले है फैंसियर, जो काफ़ी अच्छा लुकिंग वाइज भी है और काफ़ी पुराना ब्रांड भी है। ये सबसे पहले है सर, इसमें 2 पॉकेट जिसके अंदर आप बैटरीज, एसेसरीज वगैरह आप रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक पॉकेट यहाँ है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ रखना चाहो, बैटरी एसेसरीज वगैरह भी रखना चाहो, वो आप यहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक शॉर्टकट चेन दी हुई है कि आप डायरेक्टली यहाँ से कैमराज वगैरह आप निकाल सकते हैं बैग के अंदर से। अच्छा ये ऊपर अलग से चेन दी हुई है? बिल्कुल सर, ये एक्सटर्नल दी हुई है, शॉर्टकट की इस टाइप आप यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा ये इसकी मेन चेन है, और इसके अंदर है एक शोल्डर बैग जो आप यूज़ में ले सकते हैं। ओके वेरी नाइस। इसके अलावा ये इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है अंदर का, इसके अंदर आप 2 लेंसेज रख सकते हैं। ये जो जैसे अपने यहाँ रखें थोड़ा रख के दिखाएंगे, दिखाता हूँ आपको। ये एक बॉडी लेंस के साथ आप स्ट्रेट रख सकते हैं, फ्लैट रख सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा 2 लेंसेज रख सकते हैं आप इजली, ये काफ़ी अच्छे बड़े लेंसेज हैं। बिल्कुल सर, और ये इसका सपोर्ट है बीच में, लेंसेस के बीच में, और ये आप दूसरा लेंसेस रख सकते हैं। इसके अलावा मिनी लैपटॉप टैब टाइप भी आप इसमें रख सकते हैं, और इसके बाद में इसमें एक पॉकेट पीछे भी दी हुई है जिसमें आप अपनी एक ड्रेस रख सकते हो या लैपटॉप वगैरह रख सकते हो या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रख सकते हो। ओके ठीक है, सो दैट्स अ वेरी अच्छा। साइड पॉकेट भी है यहाँ पे? हाँ साइड में पॉकेट्स भी है, शॉर्टकट्स के लिए आप कुछ भी रखना चाहो ईजी टू रख सकते हो। तो ये काफ़ी एक मेरे ख्याल से जो लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं या मतलब बहुत बड़ा बैग कैरी नहीं करना है, एक छोटा आसान फ्लाइट के अंदर लेके जाना है। हाँ, या बिल्कुल सर आप नॉर्मली ले जा सकते हो। ओके प्राइस क्या है, प्राइस बताएंगे? सर ये पड़ेगा आपको 2000 रुपये का। 2000 रुपीज़ का है पूरा? तो ये क्या अपना मतलब इसका वारंटी कुछ आता है? सर देखो कैमराज में वैसे तो कुछ ख़राब होता नहीं है, चेन्स की आती है तो चैन वगैरह तो वैसे 1-2 साल तक तो कुछ ख़राब होता नहीं है, बाकी कुछ भी आती है तो 6-1 महीने तक हम देख लेते हैं। अच्छा अदरवाइज मतलब ये आप क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो आपको ज़्यादा आइडिया की कंप्लेंट क्या आती है, मतलब ज़्यादातर चेन का ही इशू आता है पूरा। ओके तो अब बात करते हैं ये लो प्रो की। तो मुकेश जी थोड़ा सा इसके बताइए इसमें क्या क्या फीचर हैं और प्राइसिंग और क्या क्या बेस्ट चीज़ें इसमें क्या क्या रख सकते हैं? सर ये लो प्रो का प्रोफेशनल किट है, इसको आप यूज़ में तो वेडिंग वाले भी ले सकते हैं, वाइल्ड लाइफ में भी आप ले सकते हैं, नॉर्मली फैशन फोटोग्राफर भी ले। ये बैग मोस्टली वो रखते हैं जिनके पास लेंसेज किट ज़्यादा हो, एसेसरीज ज़्यादा हो, वो ज़्यादा इसमें यूज़ में लेते हैं। थोड़ा सा इसको जल्दी से खोल के दिखाइए कैसा है इसका। सो पहली चीज़ तो बताऊँ दोस्तों, मैंने इसको जब हाथ लगाया अभी यहाँ पर तो दिस क्वालिटी इज़ वेरी प्रीमियम, मतलब लो प्रो सर सबसे बेस्ट क्वालिटी है। लो प्रो अपना जो मेटल यूज में लेता है काफ़ी अच्छा लेता है, और लो प्रो वारंटी भी देता है अपने बैग की काफ़ी। क्या वारंटी है इसकी? 2 साल की देता है, चैन वगैरह या फिर आपकी सिलाई वगैरह कुछ भी ख़राब हो जाती तो बिल्कुल रिप्लेसमेंट करके। ओके चलिए इसको ज़रा खोल के देखते हैं एक बार। ये इसमें कुछ शॉर्टकट्स की दी हुई है सर, शुरुआत में आप एसेसरीज वगैरह रखना चाहो तो। इसके अलावा इसके बाद जो चैन आती है इसके अंदर आपकी एक एसेसरीज के लिए आती है, आप बिल्कुल ये आप लैपटॉप रख सकते हैं, टैब रख सकते हैं, इसमें मेमोरी कार्ड या विजिटिंग कार्ड टाइप आप रख सकते हैं। इसके अलावा या बैटरी
बैटरीज वगैरह के लिए है, तो यहाँ भी टैप तो आ ही सकता है, बिल्कुल इजिली आ सकता है सर बैटरीज। इसके अलावा जो इसका मेन पार्ट है उसके अंदर आप दो बॉडी रख सकते हैं, 5-6 लेंसेस रख सकते हैं, बैटरी एसेसरीज फ्लैश वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। इसके अलावा तो ये इसमें एक आइडिया ले लेंगे इसको, अपना लेंसेस 16-35 पार्टीशन है, आप पार्टीशन आपके हिसाब से बना सकते हैं। ये लेंस तो ये बड़ा आ गया 1635mm का लेंस, बिल्कुल सर ये पार्टीशन है, आप पार्टीशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए बॉडी आएगी इसमें वाली दूसरी आएगी सर। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो कैमरा बैग है बहुत ही छोटे साइज में है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो कैमरा बॉडी आ गई है, और आई थिंक ये देखिए एक लेंस और आ गया इसमें, छोटा लेंस भी आ गया। इसके अलावा आप 3-4 लेंसेज और रख सकते हैं, या एसेसरीज अपनी फ्लैश बैटरी वगैरह रख सकते हैं। फ्लैश आप लॉन्ग टर्म है तो फ्लैश के लिए आप इसके पार्टीशन हटा के आप फ्लैश इजली रख सकते हैं, टिगर बैटरी सेल्स एसेसरी वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी कार्ड के लिए यहाँ पे पार्ट दिए हुए हैं अलग अलग, और ये विजिटिंग कार्ड वगैरह बैटरी वगैरह आप जो भी रखना चाहे वो आप यहाँ रख सकते हैं। इसके लिए लोप्रो एक इजी केयर के लिए आप देता है, भाई आपने किट ले रखी है, बैग आप कैरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके अंदर बैटरी वगैरह आप अपना रख के और मेमोरी कार्ड वगैरह रख, ये थोड़ा नया चीज़ ऐड किया है। बिल्कुल सर आप ले जा सकते हो इसको। और एक इसके अंदर आता है सर स्टैंड, आप मोनोपोड वगैरह पर कैमरा लगा रहे हैं तो आप इसमें मोनोपोड रख के ईजिली आप स्टेबलाइजेशन का यूज़ में ले सकते हैं। ओके अच्छा ये सब इसमें इंक्लूड है पूरा, तो लगे याद भैया इसकी जो है प्राइस भी बताओ, क्योंकि असली चीज़ वही होती है, लोग बाग जो है कितना पैसा खर्च होने वाला है वो जानना चाहते हैं। इसकी MRP तो 15,000 है, लेकिन इसकी बेस्ट प्राइस जो आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 9,500 रुपये, मतलब 9,500 रुपये के अंदर ये पूरा कैमरा बैग आपको बिल्कुल सर मिल जाता है पूरा। और इसकी वारंटी से आप क्या 2 साल की? हाँ 2 साल की है कंपनी से। और इसके अलावा ये इसका पीछे का अच्छा काफ़ी अच्छा है, और ये देखिए थोड़ा सा मैं लगा के देखता हूँ यहाँ पे, अच्छा ये लग जाएगा इस तरह से, ठीक है चलेगा चलेगा छोड़ दीजिए। मेरे पास भी लो प्रो का, लेकिन वो थोड़ा बड़ा वाला बैग है। और ये इसका यहाँ पे रेनकोट आता है बारिश वगैरह में, हाँ ये चीज़ बहुत काम की। बिल्कुल सर ये आप पूरा रेनकोट वगैरह से इसको वाटर से पूरा प्रोटेक्शन हो जाता है पूरा, ठीक है। पैडिंग वैडिंग इसमें काफ़ी अच्छी दी हुई है दोस्तों, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये अगर आप देखेंगे तो पैडिंग बहुत अच्छा है, और ये स्पेशली अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये एक राइट साइज़ है मेरे ख्याल से लेके जाने के लिए। आप इसको दोनों तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, आप स्ट्रेट भी ले सकते हैं, इसमें इधर भी ग्रिपिंग दी हुई है, आप इस तरह से भी आप इसको इसलिए कैरी कर सकते हैं। खाली व्हील्स में से अगर वो भी नीचे होता है तो ट्रॉली बन जाता छोटा। सो इसका प्राइस आपने मुझे बताया 9,500 रुपये के अंदर ये आपको मिल जाएगा। एनी फर्दर डिस्काउंट कोई आपके स्टोर पर आके लेता है तो? सर देखो MRP तो काफ़ी इसकी 15,000 है, लेकिन बेस्ट प्राइस 9,500 है, बाकी फिर भी कुछ होगा माइनरी तो बेस्ट प्राइस और करा देंगे, ठीक है। अब ये कौन सा कैमरा बैग है और इसकी क्या खास बात है और ये किन लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा? सर देखो एक तो ये बजट के अंदर है सबसे बड़ी बात, और इसको जो नॉर्मल जो है वेडिंग वाले यूज़ में ले सकते हैं, और ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ में आता सर ये बैग, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग के हिसाब से क्या है, एक तो ये बैग बता दूँ ये टैमरेक का Hoodoo 20 नंबर है, और ये जो है ट्रैवलिंग के लिए आप बता रहे हो जो हॉबीस्ट है। बिल्कुल सर ट्रैवलिंग के लिए इसमें क्या है, आप ये ईजिली एक लैपटॉप रख सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा 2 ड्रेसेस अपने रख सकते हैं या और कुछ सामान एसेसरीज वगैरह रख सकते हैं। इसके अंदर एक बैग और है, अगर सर आप ये बैग कैरी ना करना चाहो तो आप इसको भी कैरी कर सकते हो। इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक कैमरा लेंस के साथ रख सकते हो, 2 लेंसेज रख सकते हो, इसके अलावा एसेसरीज रख सकते हो। ये इसका रेनकोट है, ये इसकी शोल्डर बैग है, मतलब एक कैमरा बैग के अंदर एक छोटा सा कैमरा बैग और दिया है बिल्कुल आपको, आपको मतलब ट्रैवलिंग को थोड़ा आसान बनाने के लिए। ओके दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दोस्तों, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखिए एक छोटा सा रख सकते हैं सर इनको, इसमें काफ़ी अच्छे खासी पूरी कैमरा बॉडी आ गई, एक बड़ा लेंस आ गया इसमें, और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एक लेंस आ गया, एक छोटा लेंसेज और आ सकता है, यहाँ पे चार्जर बैटरी एसेसरीज वगैरह आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मेमोरी कार्ड बैटरी वगैरह के लिए स्पेस दिया हुआ है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपको कैमरा बैग यूँ नहीं खोलना है तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ में ले सकते हैं, आप यहाँ से भी कैमरा वगैरह निकाल सकते हैं। ओके दिस इज़ वेरी नाइस, ये बैग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये मेरे ख्याल से जो लोग हॉबीस्ट हैं या जो लोग बहुत कम सामान लेके चलते हैं इजी टू ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है पूरा। दो इसकी जो पैडिंग है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन आप देखेंगे ओवरऑल जो लोग बिल्कुल एक ट्रैवलिंग व्लॉगिंग या यूट्यूब आजकल यूट्यूब पे भी लोग कंटेंट बना रहे हैं उनको थोड़ा इजी है लेके जाने के लिए। अच्छा इसके अंदर ये अब इसमें तो सारा सब कुछ तो इसमें रख लिया, इसकी ये क्या काम आएगा? सर इसके अंदर आप लैपटॉप रख सकते हैं,
कुछ ड्रेसेस रख सकते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आप ले कैरी करते हैं तो वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर लैपटॉप की भी पूरी जगह मिल रही है इस कैमरा बैग में। यहाँ आप अपनी एक या दो ड्रेसेस भी रख सकते हैं, और उसके अलावा दोस्तों आपका जो भी छोटी छोटी एक्सेसरीज हैं वो यहाँ पर आप उसके लिए ये सर पार्टीशन, एक ये रहा पार्टीशन और एक यहाँ पे। ओके, क्या प्राइस है इसका अभी? सर 2000 रुपये का पड़ेगा ये आपको। अच्छा, ये भी 2000 रुपीज़ का है। तो दोस्तों मुझे ये कैमरा बैग पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज ये मतलब बहुत कम से कम हल्के से हल्का सामान, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, बीइंग अ फोटोग्राफर, जैसे कि मैं जब अपनी किट को कैरी करता हूँ तो यार मुझे लगता है काश ऐसा एक छोटा बैग होता जिससे मैं आराम से ट्रैवल कर सकता, बट नहीं हो पाता बिकॉज इतने सारी चीज़ें हैं। बट अगेन ये मेरे ख्याल से बिगनर फोटोग्राफर्स के लिए भी बहुत अच्छा एक कैमरा बैग रहेगा, और जो लोग ट्रैवल काफ़ी करते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा ज्यादा बेस्ट होता है। अब जो अगला कैमरा बैग है दोस्तों, ये मुझे है ई इमेज, राइट? बिल्कुल सर। ये मॉडल नंबर क्या है? M20। M20 है, जल्दी से इसे दिखाइए क्या क्या है और किन लोगों के लिए अच्छा है। सर एक तो ये ट्रॉली बैग है, और ये बेसिकली उन लोगों के लिए यूज में आएगा जो ज्यादा किट रखता हो या ज्यादा सामान हो, जैसे अब कई वेडिंग फोटोग्राफर काफी 6-7 तरीके के लेंसेज रखते हैं, इसके अलावा फ्लैश एसेसरीज वगैरह काफ़ी रहते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बेसिकली डिज़ाइन किया हुआ है ये पूरा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक जो है प्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे गियर्स लेके चलते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी ट्रॉली बैग है यहाँ पर, इसके जो आप देख पा रहे हैं नीचे इस तरह से व्हील्स लगे हुए हैं। चलिए ऊपर से जल्दी से दिखाते हैं इसे क्या क्या इसमें आता है। तो ये अच्छा, ये इसका कवर है, तो इट्स पूरा एक सूटकेस की तरह ही है सर। ये आप इसको भी दो पार्टीशन में कर सकते हैं, आप इसके अंदर भी अगर आप चाहो तो कपड़ा, भाई आप कहीं टूर वगैरह पे जा रहे हैं तो आप ड्रेसेस वगैरह इसमें रख सकते हो। इसको भी आप अगर नॉर्मली ट्रॉली को आप कहीं पे रखना चाह रहे हो, ट्रॉली रख के आप ओनली बैग ले जा सकते हो। ओके, मतलब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो आउट स्टेशन, तो भाई इसमें कपड़े आ गए या आपने होटल रूम में छोड़ दिया और आपने इसको कैमरा बैग लेके आप निकल गए पूरा, वेरी नाइस। तो इसको जरा ये ऊपर से, अच्छा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसका भी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल सर, ये जो इमेज है काफ़ी अच्छी क्वालिटी बनाता है, लोप्रो से अच्छी है, ऑलमोस्ट कंपेरिजन कर सकते हैं अपन। ये इसके पार्टीशन है, यहाँ पे अपने एसेसरीज बैटरी वगैरह वगैरह रख सकते हैं, और ये मेमोरी कार्ड वगैरह के लिए है आपके स्पेस, और इसमें आप लैपटॉप भी रख सकते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग, अच्छा, काफ़ी एक मिनट, इसको थोड़ा सा करके दिखाई दे, ये लॉन्ग, हाँ तो ये इसमें पूरा लैपटॉप आराम से आ जाएगा पूरा एक इसमें। ओके, वेरी नाइस। और यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं आप? अच्छा, ये इसका पूरा मेन बैग आ गया, पार्टीशन है वो इस टाइप का। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इट्स अ ह्यूज स्पेस, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको इतनी जगह मिल रही है, आप यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 या 3 किट आराम से कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, जो बड़े फोटोग्राफर है जो 3-4 बैग लेके ट्रैवलिंग पे जाते हैं या शूट पे जाते हैं, तो वो एक ही बैग के अंदर अपने 3-4 किट रख सकते हैं, और इसके अलावा 7-8 लेंसेज रख सकते हैं। मेमोरी कार्ड के लिए इन्होंने यह स्पेस दे रखा है काफ़ी, और ये बैटरीज वगैरह के लिए है, विजिटिंग कार्ड वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, ये सब आपके एक्सेसरीज आ जाएंगी यहाँ पर, ये स्पेस दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो आपके काफ़ी सारे केबल्स आपको रखने हैं, बैटरीज रखनी है वो आप रख पाएंगे यहाँ पे, और ये जो है ऊपर, अच्छा वेरी नाइस, ये काफ़ी स्पेस इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर भी एक पॉकेट है और एक आई थिंक ये भी एक पॉकेट ही है पूरा। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 पॉकेट, एक बड़ा काफ़ी सारा स्पेस, यहाँ पे SD कार्ड आपके सारे दुनिया भर के आप रख सकते हो। कैमरा के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे पार्टीशन दिया हुआ है, एक बार थोड़ा सा एक पंखी देखिए है इन्होंने जो बनाया हुआ है, यहाँ इस टाइप का यू टाइप का स्पेस बनाया हुआ है ताकि लेंस आपका इजिली उसके अंदर, अच्छा ट्रैवलिंग में। आई लाइक दिस डिज़ाइन, हाँ ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया यहाँ। तो ये जो है अभी क्या प्राइस है इसका वैसे? सर ये वैसे तो है करीब करीब 16,000 रुपये का बैग है ये, इसके अंदर ट्रॉली बैग और आपको ये दोनों मिलेगा, और क्वालिटीज़ वाइज तो आप देख ही रहे हैं, जैसे क्वालिटी अच्छा है पूरा, ठीक है। तो ये आपने अभी जो दो बॉडी रखी है, मैं लेंसेज यहाँ पे रख चुका हूँ 2, इसके अलावा भी अभी अपने पास काफ़ी स्पेस है यहाँ। तो यहाँ पर आप एक मेरे ख्याल से इसमें एक 70-200, 100-400 mm का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, फ्लैश आ जाएगा इसमें, अभी आप 4-5 लेंसेज और रख सकते हैं, लेंसेज के अलावा आप किट भी रख सकते हैं यहाँ पर ईजिली। ये पार्टीशन है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, वो तो आप कस्टमाइज़ कर लीजिए जैसे आपकी किट है, जो जो आपके पास गियर है। तो दोस्तों ये जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी ऊपर स्पेस मिल रही है, काफ़ी सारा जो है यहाँ पर। सो ओवरऑल एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए दोस्तों ये एक बैग मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, एंड अच्छा इसके बैग में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने फोम दिया हुआ है ताकि कभी बैग वगैरह भी गिर जाए तो ऐसा कैमरे को। ये जो है पीछे का इसका बेल्ट, ये थोड़ा सा मुझे जो है नॉट बैड बट इट्स ओके, इतना इतना मजबूत नहीं लगा, बट दिस इज़
ओके, मतलब जैसे गो उसका लो प्रो का था बिल्कुल सर, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर था ये वाला, ये हिस्सा, अदरवाइज बट स्पेस इसमें आपको काफ़ी मिल रही है। तो आपने इसका प्राइस मुझे क्या बताया, 15 से 16 हज़ार आफ्टर डिस्काउंट या? बिल्कुल सर, आफ्टर डिस्काउंट के बाद, वैसे तो इसके MRP है करीब करीब 22,000 के समथिंग। ओके, और इसका क्या रोल है, ये सब कपड़े के लिए है, इसमें भी आप कुछ रख सकते हो? सर कपड़े के अलावा आप इसके अंदर अपना रेनकोट वगैरह, अच्छा ये इसमें इसको खोल लीजिए एक बार, हाँ आराम से, हाँ तो ये इस तरह से जो है आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा आपका एक तरह से पूरा एक ट्रॉली आप देख पा रहे हैं, देखिए ये इसके पीछे का हिस्सा है, और मैं इसको ज़रा आपको दिखा देता हूँ, ये है इसका सामने का हिस्सा, और ये क्या चीज़ है पीछे? ये सर इसने रेनकोट के लिए स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर आपका रेनकोट है। अच्छा, ये पूरा आपका एक तरह से रेनकोट आ जाएगा पूरा, वेरी नाइस। तो दोस्तों ये जो है ई इमेज का लॉक सिस्टम भी दिया हुआ है, अगर आप अपने किट को सेव करना चाहो तो आप लॉक भी कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर भी एक उन्होंने पूरा बिल्कुल ब्रीफकेस जैसा पूरा जो है हैंडल दिया हुआ है। सो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, ये बैग मुझे अभी आज जितने भी बैग्स देखे अभी तक के उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि वेडिंग फोटोग्राफी हैं, फैशन फोटोग्राफर्स हैं, आउटडोर ट्रैवल करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। सो दिस इज़ अ बेस्ट सोल्यूशन नॉट ओनली फॉर ट्रैवलर फोटोग्राफर, बट अगर आपको एक पूरा असाइनमेंट करना है तो आपको दो दो तीन तीन बैग ले जाने की जरूरत नहीं है, पूरा एक ही में सारा कैरी कर। बट यार प्राइस थोड़ा सा ना मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, थोड़ा और मतलब थोड़ा ओवर प्राइस है, थोड़ा कम होना चाहिए, बट बैग इज़ गुड। इमेज की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी, मेटल ये यूज़ में लेता है, और चैन्स वगैरह से लेके इसकी सिलाई तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी वारंटी कितनी है? वारंटी वगैरह इसकी इमेज की आती नहीं है। अच्छा, आती नहीं है वारंटी, मतलब जब तक चला ठीक है। ओके, वैसे दिक्कत आती नहीं है सर, हम तो रनिंग में बेचते हैं इसकी। तो ये है इसकी भैया, वारंटी नहीं है बट क्वालिटी अच्छी है। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपको कैमरा बैग्स अच्छे लग रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले कैमरा बैग की तरफ, ये इसका ब्रांड और मॉडल नंबर। सर ये मोबियस है, ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी मेड इन इंडिया ही है, बेंगलुरु में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसका मॉडल नंबर है IQ कैमस। ओके, तो जल्दी से ज़रा एक इसका लुक दिखाइए, क्या क्या इसमें है और ये किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा? सर ये वेडिंग्स वगैरह में थोड़ा ज़्यादा चलता है, क्योंकि एक तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है और आप इसमें लेंसेज वगैरह एसेसरीज वगैरह ज़्यादा डाल सकते हैं। ओके, तो जल्दी से इसे ज़रा खोल के दिखाइए, इसमें क्या क्या मिल रहा है? ये इसकी पहली चेन है, यहाँ पे आपको जो देते हैं ये मोनोपोड वगैरह लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो आप इनके जरिए मोनोपोड आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा फिर दूसरी चेन आती है आपके एसेसरीज वगैरह के लिए, और ये इसका रेनकोट है, और ये लेंसेज के लिए कवर दिए हुए हैं इन्होंने एक्सटर्नल, और ये बैटरी के लिए स्पेस दिया हुआ है। हाइट इसकी ये काफ़ी है, वेड मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ से। कलर्स वगैरह इसमें मिलते हैं, दो कलर्स आते हैं, एक तो मिलिट्री कलर है और एक ब्लैक कलर है। अच्छा, तो ये अपन मिलिट्री कलर बिल्कुल सर। ये इसका जो है मेमोरी कार्ड का स्लोट आ गया यहाँ पे, ये आपके पूरा दो पॉकेट दे दी, यहाँ पे विजिटिंग कार्ड वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपकी पूरी किट आ जाती है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी डेप्थ मिल रही है। बिल्कुल सर, और आई थिंक इसकी पैडिंग भी काफ़ी अच्छी है, पैडिंग इसकी बेटर लगी मुझे इमेज से पैडिंग ज़्यादा अच्छी इसकी लगी, हालांकि उसकी भी अंदर की पैडिंग तो बहुत अच्छी है। अभी लेटेस्ट ही है, अभी कुछ टाइम पहले ही ये लॉन्च हुआ है, और काफ़ी मॉडल्स आते हैं इसमें, साइड बैग, शोल्डर बैग, और नॉर्मल कॉम्पैक्ट साइज के, और भी इससे ट्रॉली बैग, काफ़ी कुछ मॉडल है मूवी। और क्या क्या प्राइस है इसका? प्राइस पड़ेगा सर ये आपको 5,200 रुपये का। 5,200 रुपये का, हाँ तो ये भी साइज़ तो काफ़ी अच्छा है। हाँ बिल्कुल सर, मतलब उसका जैसे आप बता रहे हो 16,000 लगभग, उस उतना बड़ा साइज नहीं, उससे थोड़ा छोटा है, बट इसमें डेप्थ अच्छी मिल रही है। बिल्कुल सर, इसके अंदर आप दो कैमरा रख सकते हैं, इसके अलावा चार पांच लेंसेज वगैरह रख सकते हैं आप इजीली। इसमें दो बॉडी तो आराम से आ गई है। बिल्कुल सर, इसके अलावा आप लेंसेज वगैरह भी काफ़ी रख सकते हैं। वेरी नाइस। इसके अलावा फ्लैश, एसेसरीज, बैटरी वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा दो लेंसेज और रख सकते हैं। ये पार्टीशन है अभी, तो इसके आप और भी बना सकते हैं। ये देखिए ये पैडिंग भी मुझे काफी इसके अलावा ये कैमरा को कवर करने के लिए है, इस टाइप से आप कवर भी कर सकते हैं, तो आपकी कैमराज वगैरह मूवमेंट कम कर पाएंगे। पैडिंग इसमें हर जगह अच्छी दी है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, मतलब सपोर्ट अच्छा है। इसके अलावा इसका बैक सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा। इसको बंद कर दीजिए, शायद कैमरा वहाँ से गिर नहीं जाए, पूरा चेन बंद कर दीजिए यहाँ से, जो आपकी चेन थोड़ी यहाँ, हाँ हाँ हटा दीजिए लेंसेस। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी आपको स्पेस मिल रही है यहाँ पे, और कलर भी जो है इसका बड़ा शानदार है, मिलिट्री कलर के अंदर, सो थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा है बैग ये।
और अब बात करते हैं इसके जो है पीछे के हिस्से की। अब देखिए ये जो है ना, ये इमेज में मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था इसका काफ़ी उन्होंने ग्रिप देखिए कितना अच्छा है ये पूरा। द मटेरियल इज ऑल्सो गुड। इसके अलावा ये लैपटॉप वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है, यहाँ आप लैपटॉप वगैरह भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पैडिंग है आप लैपटॉप एक मिनट देखिए, वहाँ लैपटॉप है आ जाएगा, देखिए रख के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है हम लोग लैपटॉप आपको रख के दिखा रहे हैं, सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पैडिंग है। यानी कि अगर आपने लैपटॉप रख के इस तरह से भी रखा है अपने गाड़ी के अंदर, स्लाइड के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी आपका जो लैपटॉप है उसका स्क्रीन और पूरा लैपटॉप आपका एकदम सेफ है। पीछे भी काफ़ी अच्छा फोम दिया हुआ है इसका। ये मेरे को अभी तक जो है प्राइस के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से बेस्ट लगा दोस्त, क्योंकि एक तो प्राइस कम है, दूसरा जो क्वालिटी इज़ वेरी गुड। यहाँ पर इसका रेनकोट है, ये इसका रेनकोट है, ये लेंसेज के कवर दिए हुए हैं इसने, भाई आप लेंसेज वगैरह ज़्यादा हैं, ये इसका रेनकोट। साइज थोड़ा सा बल्की है बट अदरवाइज इट्स क्वालिटी इज़ नॉट बैड। अच्छा, ये आपने आगे का दिखाई दिया पूरा। बिल्कुल सर। इसका कुछ वारंटी है? 6 महीने का वारंटी आता है सर इसका। 6 महीने का? बिल्कुल। तो मतलब अगर हम जितने भी अभी तक कैमरा बैग देखे उसमें लो प्रो ही खाली 2 साल का आपको दे रहा है। बिल्कुल सर, लो प्रो क्या है एक्चुअली में बहुत अच्छा मटेरियल भी चुन लेता है और बहुत पुराने ब्रांड है और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड भी है। हाँ, पॉपुलर भी है बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। यस, मूवीज भी काफ़ी अच्छे बनाते हैं। अच्छा बैग अच्छा लगा मुझे पर्सनली, काफ़ी पसंद आया। इसका नीचे का हिस्सा ये अच्छा, ये पूरा एक नीचे ये वैसे रखने इस तरह रखने के लिए पूरा, तो ये टूटता उठता तो नहीं है? नहीं सर, वेरी नाइस। तो दोस्तों आपने देखा ये जो है मोबियस का बैग, मुझे अभी तक जितने बैग अच्छे लगे, हालांकि लो प्रो का बैग, सारे बैग अच्छे थे, बट अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस्टिंग की और क्वालिटी की, तो मुझे बहुत लो प्रो के बाद इसकी प्राइस बहुत कम है, बट यहाँ पर आपको पैडिंग, आपको जो कैमरा लेंसेज रखने के लिए, आपको सेफ्टी फीचर्स मुझे इसके ज़्यादा अच्छे लगे। अब इसके बारे में जल्दी से बता दीजिए, क्या मॉडल नंबर है, कौन सा ब्रांड है? सर ब्रांड तो इसकी नेक्स्ट है और मॉडल नंबर है एथेना 100। नेक्स्ट एथेना 100। ओके, ये भी ट्रॉली बैग है पूरा? बिल्कुल सर, ये ट्रॉली बैग है और ये भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और ये मेड इन चाइना है। अच्छा ठीक है, इस बार खोल के एक बार देखते हैं कैसा है, इसमें क्या क्या आ रहा है। ये यहाँ से शुरुआत करते हैं ऊपर से। यहाँ पे ये बेसिक पॉकेट है जिसमें आप अपनी एसेसरीज वगैरह रख सकते हैं, बैटरीज, मेमोरी कार्ड, चार्जर, केबल्स वगैरह। इसके अलावा 2 साइड में पॉकेट्स हैं जिसमें भी आप कुछ सामान रख सकते हैं। ये मेमोरी कार्ड के लिए स्पेस दिए हुए हैं उसी के साइज के। वेरी नाइस। और एक पॉकेट साइड है जिसमें आप बैटरीज वगैरह रख सकते हैं। इसका साइज़ भी काफ़ी कॉम्पैक्ट लगा मुझे। बिल्कुल सर। इसके अलावा जो इसकी मेन है कलर्स, एक कलर ऑरेंज देता है और काफ़ी अट्रैक्शन कलर देता है। तो ये भी यहाँ पर भी स्पेस जो है आपको अच्छी खासी मिल रही है। एक बार थोड़ा सा रख के देखिए कैमराज कितने आ जाते हैं इसमें। 2 बॉडी इसमें कैमराज आप सिंगल, एक बॉडी इधर आ गई। ये इसका रेनकोट है, लेंसेज इसमें देखिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ हम आपको एज अ सैम्पल आपको 2 कैमरा बॉडी और कुछ लेंसेज दिखा रहे हैं, बट आप यहाँ पर आप और भी ज़्यादा काफ़ी सारा सामान रख पाएंगे। इसके अलावा इसकी पैडिंग भी जो है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छी है। ये इधर से उन्होंने थोड़ा सा बेल्ट भी लगाया हुआ है, सो दिस इज़ वेरी नाइस। कलर इज़ ब्यूटीफुल, थोड़ा ऑरेंज और जैसे सोनी के आते हैं उसी तरह का। बिल्कुल सर, सोनी के। और ये है अपने लैपटॉप वगैरह के लिए, यहाँ आप लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं। देखिए एक बार आएगा लैपटॉप वाला। हाँ बिल्कुल आएगा। ये जो बड़ा साइज़ का लैपटॉप है देखते हैं इसमें आता है कि नहीं आता है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों बहुत आसानी से जो है यहाँ पे लैपटॉप आपका पूरा आ गया है। इसको एक बार बंद करके देखते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल बैग। हाँ ये बैग भी काफ़ी अच्छा है। अब जो है आप अच्छा ये पीछे का हिस्सा ये क्या है यहाँ? ये सर इसका ट्रॉली होता है और इसके अंदर आप ट्रॉली यूज़ में ना लेना चाहो, इसको शोल्डर बैग बनाना चाहो तो इसकी स्ट्रिप्स है, तो आप इसको शोल्डर बैग भी बना सकते हो। मतलब इसको अगर आपको ट्रॉली नहीं कैरी करना है तो अपना एज अ शोल्डर बैग काम करेगा पूरा। और यहाँ पे इसको यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपना विजिटिंग कार्ड वगैरह आप लगा सकते हो। साइड पॉकेट आपने बताई दी है इसकी। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट का ब्रांड है, आई थिंक चाइना का बता रहे हैं। बिल्कुल सर, ये इसकी व्हील्स वगैरह हैं। तो इसकी गारंटी वारंटी क्या है? नहीं सर, इसकी कोई वारंटी नहीं है। अच्छा चाइना का, तो कोई मतलब जब तक चला तब तक चला। और प्राइस ये पड़ेगा सर 7,200 रुपये का। 7,200 ये फाइनल प्राइस है, इसमें थोड़ा डिस्काउंट होने की? ये बेस्ट प्राइस है सर। बेस्ट प्राइस है। तो ये 7,200 रुपये के अंदर भी आपको एक थोड़ा मिड साइज़ का कैमरा बैग मिल रहा है, चाइना का ब्रांड है। आप दोस्तों चाइना का जैसे आप जानते हो कि यार कई बार अच्छी चीज़ आती है कई बार पता नहीं चलता, बट एट अ ग्लांस काफ़ी अच्छा बैग है, मजबूत है ये, इसके व्हील्स अच्छे लग रहे हैं। बहुत सॉलिड तो नहीं बोलूँगा बट इट्स नॉट बैड ऑल्सो।
अंदर की पैडिंग जो है वो ठीक ठाक है लेकिन बुरी नहीं है। ग्रिप काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी, आप ये देख रहे पीछे इसका, ये थोड़ा सा इजी देखिए अटक रहा है या मैं गलत खोल रहा हूँ? नहीं सर, कुछ अटक रहा है यहाँ पे। हाँ खुल गया, पुश होके खुलता है, ठीक है ठीक है। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं दोस्तों, दिस इज़ द होल बैग। और आज जितने भी मैंने बैग देखे हैं, तो आप देखिए आपको सबसे अच्छा बैग कौन सा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है। इसके अलावा अगर कोई और कैमरा बैग आप देखना चाहते हो तो कोशिश करेंगे उसे भी हम चैनल पे लेके आने के लिए। फिलहाल जो है सुब्रांशु कैमरा स्टोर के अंदर ये मेजर बैग अवेलेबल थे, तो आज मुकेश ने थोड़ा टाइम दिया तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो बनाते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतज़ार। और इनका जो इंस्टाग्राम का पेज है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक लगा दिया है, तो वहाँ जाके आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो वहाँ मुकेश जी आपको पर्सनली अटेंड करेंगे, जो भी यहाँ का स्टाफ है वो आपको रिप्लाई करेगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।